Minutes after the Pakistan High Commission released their statement, while the Foreign Secretary talks were underway, Congress on Tuesday attacked the centre for softening their stand towards Pakistan. Congress leader Ghulam Nabi Azad alleged that the ruling dispensation talks big but doesn't take decisive action, be it Kashmir or Pathankot airbase attack. In the meeting, the Pakistan Foreign Secretary also took up the matter of RAW officer Kulbushan Jadev, expressing serious concern over RAW's involvement in subversive activities in Balochistan and Karachi. The meeting also raised serious concerns over the efforts by the Indian authorities for the release of prime suspects of the Samjhauta Express blasts. BJP. जब इलेक्शन लड़ रही थी पार्लियामेंट ये तो हमसे वादा किया था और मोदी साहब ने खुद वादा किया था कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो तो बड़ी कमजोर है, वो बात नहीं कर पाती है पाकिस्तान के सामने और बीजेपी को वोट दे दो और हम उनके सामने आंख उठा के बात करेंगे, आंख झुका के बात नहीं करेंगे, चीन के सामने लाल आंख करके बात करेंगे। लेकिन आज लाल आंख क्या, अब सफेद आंख भी बोल नहीं, अब आंखें उनकी झुकी रहती हैं चीन के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर, उनके पोते या नवासे की शादी पर, और एक हफ्ते ही में ही पाकिस्तान वालों ने हमको क्या दिया, पठानकोट पे हमला, पठानकोट के एयरबेस पे हमला। और उसके बाद हम चाहते सोचते थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के प्रति उनका जो रवैया है बदलेगा, सख्त रवैया होगा, लेकिन रवैया तो बदला नहीं बल्कि और रवैया नरम हो गया हमारी गवर्नमेंट का। पाकिस्तान को वहाँ फिर आने दे दिया हिंदुस्तान में और उनकी आईएसआई को भी को यहाँ आने दे दिया, और वापस जब हम जाना चाहते थे उनको इंटरग्रेट करने के लिए तो उन्होंने पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी। और आज फिर फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान का हमारी मुल्क में आकर हमारी फॉरेन सेक्रेटरी को ये कहता है कि कश्मीर कोर इशू है। तो ये हमारे सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर सरकार है, ये खाली बोलती कुछ है और करती कुछ भी नहीं।